हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक महीना पहले 8 नवंबर को दरभंगा हवाई अड्डा से दिल्ली, मुंबई और बंगलोर के लिए उड़ान सेवा भले ही बीच में बाधा हो, लेकिन एक अच्छी खबर, 11 जनवरी से दरभंगा से अहमदाबाद के लिए भी स्पाइसजेट फ्लाइट ने बुकिंग प्रारंभ कर दी है और 18 जनवरी से पुणे और हैदराबाद के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। स्पाइसजेट ने ये बुकिंग शुरू कर दी है, ये अच्छी खबर। पहले दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से बेंगलोर एक एक फ्लाइट आना और जाना था, और इस एक माह के दरमियान यह भी स्पाइसजेट ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 30,000 लोगों ने सफर किया, 85 उड़ान आना और 85 उड़ान जाना, और 30,000 लोगों ने हवाई यात्रा किया ऐतिहासिक दरभंगा हवाई अड्डा से। और अच्छी खबर दरभंगा के लिए, 11 जनवरी से दरभंगा से अहमदाबाद के लिए फ्लाइट बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि 18 जनवरी से साइट पर हैदराबाद और पुणे के लिए फ्लाइट बुकिंग शुरू करने का जो नेट है वह डाल दिया गया है और बुकिंग प्रारंभ की सूचना दी गई है और बुकिंग चालू हो गई है स्पाइसजेट ने। दूसरी ओर विधान पार्षद संजय झा, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही एयर इंडिया और इंडिगो से बात चल रही है और वह भी फ्लाइट सेवा शुरू करने का इच्छुक है। जो अन्य शहर है, चाहे वह कलकत्ता हो या अन्य बड़े शहर, वहां के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। वहां संजय झा ने बताया कि जल्द ही इस दिशा में वे कार्रवाई करेंगे, वार्ता जारी है। और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह सूरी, उनसे भी उन्होंने बात की है, सूत्र के हवाले से उन्होंने सूचना दी है। और इस संदर्भ में संजय झा ने कहा कि यहाँ ये बात सही है और जल्द ही यहाँ हैदराबाद हो, सूरत हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो या अन्य बड़े शहर, वहाँ के लिए भी इंडिगो और एयर इंडिया से बात चल रही है। दूसरी ओर स्पाइसजेट ने 3 के बाद 3 और शहर को जोड़ दिया है और 11 जनवरी और 18 जनवरी से, तो माना जाए कि दरभंगा में 18 जनवरी से मौसम ठीक ठाक रहा, सब कुछ अनुकूल रहा, तो अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के बाद हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइटें उड़ेंगी। अभी इंडिगो और एयर इंडिया से वार्तावाद की बात है, वह भी प्रगति में है। बहरहाल स्पाइसजेट का विमान और ये बढ़ोतरी, ये दरभंगा के लिए एक बड़ी बात हवाई सेवा के मामले में।